यहाँ पे अगला मुकाबला बानान टाइगर और ओम साई इलेवन के बीच में। अगर दोनों खिलाड़ी वहां विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं, रईस कादरी और तंजीम, दोनों में से कोई भी खिलाड़ी पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाएगा तो नासिर मामा की ओर से 500 रुपया कैश पुरस्कार दिया जाएगा। कल भी 500 रुपया दिए गए थे नासिर मामा की ओर से, वो पहला सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज बने थे। रईस कादरी बहुत बेहतरीन तरीके से, एक अच्छा सबको सपोर्ट मिला है नासिर भाई का, तो उसका हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सबको सपोर्ट किया है यहाँ ग्राउंड के ऊपर सभी प्रकार के लिए। गेंद को फिर से एक बार चेक की जा रही है, वहां पे चेक करने के बाद फैसला किया जाएगा। फील्डिंग टीम ने अपनी फील्डिंग को सजा दी है। गाड़ी की चाबी मिली है, मारुति की है, वहां सिविलिंग का लॉकेट लगा हुआ है, किसी का भी हो तो प्लीज जांचिए परखिए और लेके जाइएगा। और गेंदबाजी की शुरुआत इस बीच बहनान ऑटो एंड की ओर से की जाएगी। अब गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बहनान की ओर से वहां पहुंच चुके हैं। बहनान टाइगर्स स्ट्राइक के ऊपर तंजीम, नॉन स्ट्राइक के ऊपर रईस कादरी और विशाल है गेंदबाजी के ऊपर। डाउन द ग्राउंड खेला इस बीच, वहां पे मिड विकेट के ऊपर जब तक फील करते, सीधा थ्रो हुआ। देखिए थ्रो इस बीच थोड़ा सा गलत हुआ, अगर गेंदबाज की ओर किया होता तो कुछ बन सकता था, क्योंकि गेंदबाज वहां पे सोलंकी तैयार थे गेंद को किधर करने के लिए। एक बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे स्क्वाड बनाने के बाद पहली गेंद की शुरुआत हो चुकी है। पावर प्ले का पहला गेंद बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे दोनों और मैच रहा, 50-50, सिंगल रन भी आया, डॉट भी नहीं गई। पहली गेंद के ऊपर सिंगल रन जरूर जुड़ा गया। फिर से गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर रईस कादरी। रईस कादरी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था, कल मैन ऑफ द मैच हुए थे, आखिरी मुकाबला जीताया था, 51 रन अर्धशतक छोड़ा था जिसमें 4 सिक्सर लगे थे उसकी ओर से। स्काइड खेला है इस बीच मिड विकेट थर्टिया सर्कल के अंदर, वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छा कैच करने का प्रयास किया और वहां पे रईस कादरी को पेवलन का रास्ता दिखाया। देखिए बहुत एक एंटरटेन करते हुए, क्योंकि रईस कादरी एक ऐसा बल्लेबाज है जो आधी टीम कही जाती है, अगर उसका विकेट गया है तो एंटरटेन यहाँ ओम साई इलेवन के सभी खिलाड़ी ने एंटरटेन किया, क्योंकि रईस कादरी इस प्रकार के बल्लेबाज है जो मैच का रुख बदलना जानते हैं, उस प्रकार की यहाँ से बल्लेबाजी हमें देखने को मिलती है। लेकिन पहली सफलता है इस बीच विशाल सोलंकी के नाम। धर्मेश पटेल उर्फ धर्मेश बख्शी वहां थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच पहली गेंद के ऊपर बल्ला चलाने का प्रयास जरूर किया था और गेंद काफी देर तक हवा में रही थी और धर्मेश बख्शी ने कोई गलती नहीं की और बहुत अच्छा कैच किया था वहां पे। शॉर्ट स्क्वायर लेग शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर वहां पे तैनात किया गया था, एक अच्छी सफलता। साकिर कालू उन्हें बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं अपने डगआउट की ओर से। बहुत अच्छा शॉट देखिए इस बीच, हैंड आई कंडीशन देखिए, ड्राइव देखिए, शॉट की क्वालिटी देखिए, वहां पे दूसरे रन के लिए पलटवार किया और दो रन जरूर पूरा करेंगे वहां पे। आउट के लिए, रन आउट के लिए अपील जरूर की गई, लेकिन तब तक तंजीम पहुंच चुके थे अपने क्रीज में, दो रन अच्छे पूरे किए, दो के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 3 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। अब स्ट्राइक के ऊपर फिर से एक बीच साकिर कालू है और गेंदबाजी के ऊपर विशाल सोलंकी। पहना नोटो एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ओवर के लिए विशाल के ऊपर भरोसा जताया था कप्तान ने
और एक बहुत अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। या सफिर से तैयार है गेंदबाज जब पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर ठटिया सर्कल के अंदर सात खिलाड़ी है। फिर से एक बार ड्राइव अच्छा लेकिन कवर के ऊपर एक अच्छा स्टॉक, लेकिन तब तक वहां से एक रन पूरा कर दिया जाएगा। एक सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी होगी। डीप बाउंड लाइन के ऊपर यहां पे दोनों खिलाड़ी जिस प्रकार से राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, इस बीच लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए दो खिलाड़ी को डीप बाउंड लाइन के ऊपर भेजा जाएगा। एक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर है। लॉन्ग ऑन के ऊपर देखा जाए तो कृणाल उर्फ लाली मिड ऑफ के ऊपर कैचिंग पोजीशन के ऊपर जो ड्राइव शॉट खेला जाता है वहां पे अब सोलंकी तैयार है फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए बहुत ही बेहतरीन इस बीच हेलीकॉप्टर का प्रयास, लेकिन एक आत्मनिर्भर फील्डिंग हमें देखने को मिला। सोलंकी ने खुद अपने ही फॉलो थ्रू में अच्छा फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सटी नहीं, एक अच्छी शुरुआत इस बीच अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर विशाल सोलंकी और स्ट्राइक के ऊपर तंजीम कादरी। ऑन साइड के ऊपर स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला है वहां पे पीछे खिलाड़ी थी बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक फील करते एक रन पूरा किया और सीधा थ्रो विकेट कीपर एंड के ऊपर। एक सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई। पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, पांच रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद विशाल सोलंकी ने यहां पे कम खर्चा वाला ओवर किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिली, इस बीच अभी पांच रन है। अब धर्मेश पटेल को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन, एक अच्छी फिटनेस के साथ कद काठी जिस प्रकार से धर्मेश का है, एक लंबे कद के गेंदबाज और बहुत ही बेहतरीन हायम एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हैं और खास करके विकेट लेने के लिए जाने जाते हैं और कम खर्चा वाला ओवर उसकी ओर से रहता है हर बार। पावर प्ले का दूसरा ओवर के लिए धर्मेश तैयार है। इस बीच श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से पहला ओवर खत्म हुआ बहनान ऑटो एंड की ओर से, जिसमें पांच रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद। बहनान टाइगर्स और ओम साई 11 के बीच में ये मुकाबला। अब गेंदबाज धर्मेश बक्सी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए बहुत अच्छा, देखिए रिवर्स में इस बीच चेंज ऑफ पेस को पढ़ा तंजीम ने और उस बीच बहुत बेहतरीन तरीके से गली की दिशा में गेंद को भेजा चार रन के लिए। रिवर्स वाला एक अच्छा शॉट जरूर देखने को मिला। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से नौ रन बन चुके हैं। बहुत अच्छा रिवर्स यहां पे खिलाड़ी बीट किए और गेंद चली गई सीधी जमीन के सहारे चार रन के लिए। अच्छा शॉट देखिए इस बीच फ्लैट बहुत बेहतरीन तरीके से
ब्रैन लारा वाला शॉट हमें देखने को मिला इस बीच से तंजीम कादरी के बल्ले से, हिप क्लिप शॉट कहा जाता है इसे क्रिकेट की भाषा में, कमर के समानांतर गेंद आई थी जिसको बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर फ्लैट करारा सिक्सर देखने को मिला इस बीच, बहुत अच्छा शॉट और देखिए एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ 15 रन। और इस बीच कवर के ऊपर 2 गेंद का कॉल है लेकिन पीछे खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे और जब तक फील करने के बाद थ्रो करते रन पूरा किया था। देखिए कमर के ऊपर वाली गेंद थी जिसे बीमर गेंद कहा जाता है वो वाली गेंद आई थी, अब आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है और स्ट्राइक के ऊपर इस बीच आएंगे साकिर कालो। फ्री हिट के ऊपर खेलने का मौका बल्लेबाज को जब भी मिलता है तो उसके ऊपर एक बड़ी हिट लगाने का प्रयास रहता है। अब धर्मेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर के लिए शामिल किया है। अच्छी गेंद थी लेकिन इस बीच फ्री हिट वाली गेंद थी, प्रयास बेहतरीन था। अब देखा जाए तो टप्पा खाने के बाद शायद थोड़ी सी इन स्विंग हुई थी, गेंद अंदर की ओर आई थी और विकेट कीपर के ऊपर एक अच्छा गैदरिंग वहां पे डॉट गेंद के साथ। जमीन के सहारे खेला इस बीच डीप बाउंड लाइन के ऊपर, पीछे खिलाड़ी है जब तक फील करते सीधा थ्रो हुआ तब तक एक रन पूरा कर चुके थे, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। जमीन के सहारे खेलने का प्रयास किया इस बीच वाइड यॉर्कर का प्रयास था धर्मेश बक्सी का, जब तक स्क्वायर लेग के ऊपर फील्ड किया जाए अंडर आर्म थ्रो किया जाए 1 रन लेने का प्रयास किया और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है पावर प्ले का। जमीन के सहारे इस बीच स्क्वायर लेग के ऊपर बहुत अच्छा फील्डिंग शॉट, स्क्वायर लेग 30 सर्कल के अंदर वहां पे अमर थे जिन्होंने अच्छा फील्ड किया और पावर प्ले यहां पे देखा जाए तो खत्म हुआ 2 ओवर की समाप्ति पावर प्ले के, 19 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद और करंट रन रेट 9.5 का चलता हुआ अनुमानित स्कोर 75 के आसपास यहाँ से जा सकता है। और यहाँ हमारे क्रिकेट समीक्षक या पिच क्यूरेटर के द्वारा बताया जा रहा है कम से कम 100 के आसपास फाइटिंग स्कोर कहा जाता है इस ग्राउंड के ऊपर। पिछले मुकाबले में देखिए वीडी ट्रैवल्स ने 108 रन बनाए, उसके सामने 96 रन बनाकर मैच हारी थी। कल के अगर आखिरी मुकाबले की बात की जाए तो 104 बने थे और बहनान टाइगर ने 108 बना लिए थे, तो उस प्रकार से कम 100 के ऊपर ले जाना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 जो भी बढ़ेगा लेकिन 100 का आंकड़ा यहाँ 3 डिजिट में स्कोर तो ले जाना पड़ता है। 19 रन बने 2 ओवर की समाप्ति हुई। पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल चुका है, 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी और डीप बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी गेंदबाज और विकेट कीपर के सिवा। अब बहनान ऑटो एंड की ओर से अब गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर विशाल सोलंकी। फुल टॉस गेंद थी इस बीच वहां पे मिड विकेट के ऊपर गेंद हवा में रही थी और कैच ड्रॉप हुआ, देखिए कैच ड्रॉप हुआ था। यस वहाँ बीमर के लिए एक एक रिव्यू की जो फैसिलिटी दी गई है तो रिव्यू चेक किया जाएगा, यहाँ बीमर के लिए रिव्यू की मांग की गई है।
फेयर डिलीवरी है या पे डिपिंग फुल टॉस गेंद थी इस पिक्चर देखा जाए तो। और स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन एक विकेट के नुकसान के बाद यहाँ पे फिर से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर विशाल सोलंकी। अब रिव्यू खत्म हो चुका है बल्लेबाज के लिए, एक रिव्यू बीमर के लिए दिया जाता है, तो आपने रिव्यू लिया और वहां से खारिज हुआ, रिवर्स स्वीप में अटेम्प्ट किया लेकिन इस बीच गेंद सीधी विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन नहीं, कोई एक्सटी नहीं, डॉट गेंद। हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर, गेंद को रोका गया, रन बनाने की चेष्टा को वहां से रोका जाएगा, कोई रन नहीं, कोई एक्सटेंड नहीं, डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, 20 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद। बल्ला जरूर घुमा इस बीच से, बल्ले का किनारा और विकेट कीपर के ऊपर, कुलदीप ने बहुत अच्छा कैच किया, एक देखने लायक मोमेंट इस बीच देखा जाए तो, एक बहुत अच्छा ड्राइव करने के बाद बल्ले का किनारा लिया था, वहां पे कैमरामैन का कमल जरूर देखने को मिला इस बीच, आदित्य कड़व और दीपेश धूले जिन्होंने कोई गलती नहीं की कैप्चरिंग में, और एक अच्छा कैप्चरिंग और विकेट कीपर के ऊपर कुलदीप ने भी कोई गलती नहीं की, अच्छा कैच जरूर देखने को मिला इस बीच। थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को रखा था बल्ले का अंदरूनी किनारा और जमीन से कम 8 फुट के ऊपर एक अच्छा कैच कुलदीप का, और विकेट नंबर इस बीच दूसरे का पतन हुआ। अब आसिफ शेख नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं। अब आसिफ शेख नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर, देखा जाए तो तंजीम कादरी अभी भी मौजूद है जो प्रारंभ करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, और गेंदबाजी के ऊपर इस बीच विशाल सोलंकी अपने गोटे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर करने के लिए तैयार है। अच्छा शॉट देखिए इस बीच, देखते ही बनता है, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल आसिफ शेख छा गए, जितनी तेजी के साथ इस बीच शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी आई उतनी तेजी के साथ आसिफ शेख ने यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर बटोरा। देखिए इस बीच सोलंकी ने शॉर्ट पिच गेंद कर दी थी, बहुत जल्दी पिक किया और जड़ा 6 रन के लिए, और हैड्रिक सिक्सर के ऊपर नासिर मामा की ओर से 500 रुपया है आसिफ शेख के लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से एक सिक्सर आ चुका है। अब यहां से गेंदबाज तैयार, फिर से चेंज ऑफ पेस किया था इस बीच, वहां पे ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी सी बाहर रखी गई गेंद को, और एक वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। हैट्रिक सिक्सर के ऊपर नासिर मामा यूके की ओर से 500 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। और दूसरी गेंद के ऊपर, दो गेंदों के ऊपर दो सिक्सर आ चुका है, देखिए बहुत ही बेहतरीन आसिफ शेख इस बीच काउ कॉर्नर के ऊपर एक मैक्सिमम आता हुआ उसके बल्ले से बेहतरीन शॉट और एक सिक्सर के लिए गेंद जरूर ट्रैवल हुई बेहतरीन तरीके से, एक अच्छा सिक्सर जरूर देखने को मिला। दो गेंदों के ऊपर दो हिट, मतलब ओवर बदला, अब जैसे ही स्ट्राइक के ऊपर आएंगे सिक्सर लगाएगा तो हैट्रिक हो जाएगा। तैतीस रन बन चुके, 3 ओवर की समाप्ति हुई 2 विकेट के नुकसान के बाद बानान टाइगर, अब जैसे ही स्ट्राइक के आएंगे तो हैट्रिक सिक्सर के लिए एक सिक्सर और चाहिए। तैतीस रन बने 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के बाद बानान टाइगर वर्सेस
यहाँ पे ओम साई 11 के बीच में ये मुकाबला टॉस जीता था ओम साई ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया था। अब गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन के तौर के ऊपर शामिल किया जा रहा है तंजीम कादरी, शहजाद कादरी। तंजीम कादरी स्ट्राइक के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर शहजाद कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर के लिए शामिल किया है। 33 रन बन चुके हैं इस बीच बहनान टाइगर 11 का, ओमसा 11 फील्डिंग के ऊपर। अब गेंदबाजी के ऊपर शहजाद कादरी तैयार है फील्डिंग को थोड़ा सा सेटअप करने का प्रयास करते हुए। बायां हाथ के बल्लेबाज के लिए तीन खिलाड़ी ऑन साइड के ऊपर डीप बाउंड लाइन के ऊपर है, लॉन्ग ऑन है, काउ कॉर्नर है और मिड विकेट है। स्क्वायर लेग 30 सर्कल के अंदर फाइन लेग के ऊपर तैनात किया है। वाइड बॉल दिया जाएगा इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर, काफी बाहर गेंद थी, वैसे चहलकदमी की थी थोड़ी सी इस बीच तंजीम ने लेकिन काफी बाहर चली गई, वाइड करा दिया जाएगा। तो पीछे कुलदीप ने अच्छा गेंद को गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। सजाद कादरी तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, रिवर्स में खेला बहुत अच्छा शॉट, देखिए इस बीच रफ्तार का इस्तेमाल किया और तंजीम ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को बढ़ाया 6 रन के लिए। अरे ऐसा सिक्सर जिस प्रकार से खेला गया उसको वैसे देखा जाए तो टाइटेनिक पोस्ट कहा जाता है, उस प्रकार का शॉट हमें देखने को मिला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए इस बीच टाइटेनिक पोस्ट के साथ गेंद को भेजा था बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तंजीम एक अच्छा सिक्सर और हैड्रिक सिक्सर के ऊपर नासिर मामा की ओर से 500 रुपया है तंजीम के लिए, मतलब एक हो चुका है सिक्सर और दो लगाने पड़ेंगे, अगर 500 का एक हरी पत्ती चाहिए तो। गेंदबाजी के ऊपर इस बीच शहजाद कादरी, गेंद अच्छी थी लेकिन शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा तंजीम का और 40 रन पूरे हुए 2 विकेट के नुकसान के बाद चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। रिवर्स शिप में खेलने का प्रयास फिर से लेकिन विकेट कीपर के ऊपर कुलदीप ने अच्छा गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद। 21 के निजी स्कोर के ऊपर तंजीम, 2 सिक्सर, 1 चौका, 10 गेंद, 225 का स्ट्राइक रेट है। गेंदबाज तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर शहजाद कादरी, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से चौथा ओवर करने के लिए शामिल किया है। अच्छा शॉट इस बीच देखिए काउ कॉर्नर के ऊपर, गेंद काफी देर तक हवा में लेकिन वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया, थ्रो भी हुआ लेकिन एम्पायर का रिव्यू है इस बीच, अंपायर सर चेक करना चाहेंगे कि इस बीच वहां पे गेंद को रोका गया था या डीप बाउंड लाइन के ऊपर गेंद चली गई थी। तो इस बीच हमारे मेन एम्पायर की भूमिका में हैदर शेख है, उन्होंने व्यक्त की है इच्छा अपनी कि चेक किया जाएगा उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा।
देखिए ऑन फील्ड एम्पायर डिसीजन की बात की जा रही है, वह दर्शक दीर्घा में आप पूछ सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ देखा जा रहा है हमारे सर द्वारा, तो वैसे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत दूर था और जो कैमरा है एंड के ऊपर है, तो वहां से जो कैप्चरिंग हुआ है कंफ्यूजन यस अंपायर द्वारा बताया गया कि भाग के रत्नपुरे के वही काउंट किए जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ पे थर्ड एम्पायर के ऊपर रिव्यू लिया गया था, उसके बाद जो फैसला सुनाया गया वो यहाँ से। इस बीच गेंदबाज तैयार है फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच टॉप एज लिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर पीछे खिलाड़ी और अच्छा कैच। देखिए दो गेंदों के ऊपर दो बड़ी हिट जरूर आ चुकी थी आसिफ शेख द्वारा, लेकिन इस बीच वहां पे अच्छा कैच जरूर देखने को मिला और विकेट मिली इस बीच शहजाद कादरी को। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को थोड़ा सा रखने का प्रयास किया था राइट आर्म ओवर लेके जरूर आए थे और तीर से बल्ले से सीधा शॉट खेलने का प्रयास किया था। लॉन्ग ऑफ के ऊपर पीछे खिलाड़ी थी बाउंड लाइन के ऊपर जिन्होंने कोई गलती नहीं की और इस बीच एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला हमें। स्कोर कार्ड के ऊपर 41 रन है, चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है। यहां से तीन विकेट जरूर चले गए बानान टाइगर और ओम साई 11 के बीच में ये मुकाबला। गेंदबाजी के ऊपर शहजाद कादरी तैयार है। अच्छा शॉट देखिए इस बीच देखते ही बनता है इस बीच स्क्वायर लेग के ऊपर ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, एक बेहतरीन गेंद को पिक किया। वो बाइक का लाइट बंद कर लीजिए सामने बाइक के ऊपर जो बैठा है, यस थैंक यू। उस प्रकार से वहां पे एक अच्छा शॉट जरूर देखने को मिला। इस बीच राजू गए थे, जैसे ही गए जाने के बाद अपने हुनर का मिरर लोगों के सामने रखा और एक अच्छा सिक्सर जरूर वहां से बटोरा, एक अच्छा अकाउंट ओपन किया सिक्सर के साथ राजू ने। ड्राइव कर दिया इस बीच लोअर फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में डीप बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे गेंद को रोका जाएगा। राजू की बात की जाए तो कल भी सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया था, आज भी सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है। एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर देखने को मिली हमें, एक बेहतरीन लेंथ और लाइन को पढ़ने के बाद यहाँ पे चार ओवर के बाद 48 रन बने तीन विकेट के नुकसान के बाद 12 का करंट रन रेट चलता हुआ, अगर इसी हिसाब से रन बनाए गए तो 96 के आसपास जा सकता है। अब देखा जाए तो ओवर चार खत्म हुए, शहजाद ने एक ओवर किया 15 रन दिए एक सफलता और विशाल सोलंकी ने दो ओवर किए 19 रन दो सफलता। अब आने वाली गेंदबाजी के ऊपर कौन से गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है वो तो आने वाला समय बताएगा। इस बीच गेंदबाज का छोर बदल लिया जाएगा, बहनान ऑटो एन की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत होगी, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एन की ओर से चौथा ओवर समाप्त हुआ और 48 रन बने तीन विकेट के नुकसान के बाद बहनान टाइगर। स्ट्राइक के ऊपर राजू है, इस बीच एक सिक्सर लगाने के बाद अपना अकाउंट ओपन किया था राजू ने, 48 रन है टीम का स्कोर। अच्छा शॉट इस बीच गेंद हवा में है और राजू का इस शॉट और नीचे वहां पे
बारगांव गावी जिन्होंने कोई गलती नहीं की, एक अच्छा कैच किया। अब सहजत गेंदबाज का नाम अनिल पाडवी गेंदबाजी के ऊपर, जिन्होंने एक अच्छा शुरुआत की और राजू को पेवलियन का रास्ता दिखाया। भावेश पटेल नए बल्लेबाज के रूप में पहुंच चुके हैं यहां पे। अनिल पाडवी एक अच्छी गेंदबाजी के साथ अच्छी शुरुआत यहां पे, सफलता के साथ अपना एक अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की है। विकेट के साथ अब जब भी शुरुआत होती है गेंदबाज की तो उसका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा बढ़ता जरूर है। नए बल्लेबाज के रूप में यहाँ भावेश पटेल प्रस्थान कर चुके हैं बाना नोटो एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर। इस बीच अनिल पाडवी फुल टॉस गेंद और इस बीच घूम के खेला और बहुत बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड्स पहले की दिशा में गेंद चली गई 6 रन के लिए। एक अच्छा सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 50 रन भी पूरे हुए, 54 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान के बाद। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे एक और शॉट इस बीच वहां पे देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में गेंद गई है 6 रन के लिए। 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़ी हिट आ चुकी है। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से 60 के ऊपर पहुंचाया, ओवर नंबर 5वां प्रगति के ऊपर है। एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है, 60 रन बन चुके हैं। ओवर नंबर यहाँ पे 5वें के ऊपर टारगेट किया है भावेश ने, हैट्रिक के ऊपर 500 रुपया नासिर मामा यूके की ओर से। नासिर मामा की बात की जाए तो उसकी याद जरूर आएगी, वैसे देखा जाए तो कल सवेरे परसों का दिन इंग्लैंड में निकलने वाला है, आज प्रस्थान करेंगे इस बीच फाइनल की दिशा में। तो आपकी जर्नी बहुत ही बेहतरीन हो ऐसी यहां से शुभकामना, हैप्पी जर्नी। स्कोर कार्ड के ऊपर 60 रन बने 4 विकेट के नुकसान के बाद। फिर से एक बार लॉन्ग लेग के ऊपर सीधा आउट ऑफ पार्क, सी यू लेटर लिख के भेजा है बहुत बेहतरीन तरीके से। इस बीच देखिए 3 सिक्सर तो लगा लेकिन बीच में एक डॉट गेंद आई, अगर 3 साथ में लगते तो 500 का प्राइस था आपके लिए। अच्छी गेंद थी इस बीच, देखिए वहां पे डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत हुई है स्कोर कार्ड के ऊपर। बहुत अच्छा स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, 5 ओवर के बाद 66 रन 4 विकेट और करंट रन रेट 13.5 का हो चुका है। इसके हिसाब से 106 के आसपास जा सकता है। जहां तक भावेश और तंजीम कादरी मौजूद है तो रन तो आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे, उस प्रकार का माहौल है। एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर देखने को मिल रही है दोनों बल्लेबाज द्वारा। 66 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान के बाद।
66 रन बने हैं, 66 रन बने। अभी भी तीन ओवर का खेल बाकी है, मतलब 18 गेंद। अब 18 गेंद के ऊपर कितना टारगेट करना है, वो टारगेट का प्लान हो सकता है, और यहाँ से ओम साई 11 को कितने के ऊपर रोकना है वो भी प्लान हो सकता है। अब कौन अपने प्लान में सक्सेस होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो अच्छी क्वालिटी, कंटिन्यूटी और कॉन्सेप्ट के साथ जो मैच खेलेगा वही मैच जीतेगा, उस प्रकार का माहौल है। प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्वालिटी आपकी जो है उसको बाहर लाना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट यानी कि कौन से वाले गेंदबाज को लाना है, कौन से खिलाड़ी को कहाँ खड़ा करना है, और कौन से वाली गेंद के ऊपर कौन सा शॉट खेलना है, ये बहुत ही यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ता है गेंदबाजी के ऊपर। धर्मेश पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहुत अच्छा शॉट देखिए इस मैच, बेहतरीन शॉट, घुटना टेक सिक्सर देख स्क्वायर लेग के ऊपर, तंजीम कादरी, शुरुआत हुई है सिक्सर के साथ, और ओवर था छठा श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। तंजीम कादरी अगर छह गेंदों के ऊपर छह सिक्सर यहां पे अगर लगाता है तो मुसेफ भाई बासेदा की ओर से 5,000 रुपया दिया जाएगा। देखिये जीआईडीसी का आधा पगार है 5,000, लेकिन छह सिक्सर लगाना पड़ेगा उसके लिए। 5,000 रुपया हमारे नासिर मामा की ओर से भी, मतलब 10,000 मिलेगा, 6 सिक्सर लगाना पड़ेगा। और 3 के ऊपर 500 रुपया नासिर मामा की ओर से, हैट्रिक के ऊपर मुसेफ भाई बासेदा की ओर से 1100, 6 सिक्सर के ऊपर 5,000। देखिए दोनों और मौका है, अब कौन किसके ऊपर बारी, तंजीम स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर धर्मेश। और इस बीच गेंद हवा में स्क्वायर लेग के ऊपर नो बैंड लाइन में वहां पे उल्टा भागते हुए टप्पा खाई, लेकिन वहां पे 2 रन जरूर मिलेंगे, टॉपेज लिया था इस बीच। देखिए 6 सिक्सर का तो यहां पे ड्रीम खत्म हुआ, जो सपने हैं वो जैसे कांच के गिलास के जैसे हो, जैसे ही जमीन के ऊपर गिरता है टूट जाता है, तो यहाँ सिक्सर नहीं गया, आपका ड्रीम खत्म हुआ। अब 3 सिक्सर के लिए प्रयास कीजिए, फिर से एक बार शुरुआत होगी 3 सिक्सर के लिए। तंजीम कादरी 30 के निजी स्कोर के ऊपर पहुंच चुका, 3 सिक्सर और 1 चौका जिसमें शामिल, 230 का स्ट्राइक रेट और टीम का स्कोर 74 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। फिर से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, धर्मेश पटेल रिवर्सिप में खेला और वहां से चौका मिलेगा, देखिए उल्टा बल्ला, लेकिन वहां पे रन जरूर जुड़ेंगे। केविन पीटरसन ने शॉट का क्रिएशन किया था, आजकल बहुत बोलबाला बन चुकी है रिवर्स शिप की, और चौके के साथ 78 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद 78, जो रन रेट है 13.5 का था अब 14.5 के ऊपर पहुंच चुका है। अभी भी कुछ गेंदों का खेल बाकी है, वैसे देखा जाए तो छठे ओवर की 3 गेंद हुई और 78 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद बाहनान टाइगर वर्सेस ओम साई 11। वाइड बॉल दिया जाएगा, तंजीम कादरी फिलहाल देखा जाए तो 14 गेंदों के ऊपर 34 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 रन हाफ सेंचुरी में चाहिए, और 16 रन अगर बनेंगे तो नासिर मामा की ओर से 1,000 रुपया दिया जाएगा, 1,000 का पुरस्कार अनाउंसमेंट करवाया है वहां पे। अब देखिए मान भी मिलेगा सम्मान भी मिलेगा, लेकिन एड़ी चोटी का जोर भी लाजमी है। टॉपेज लिया इस मैच और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी है, और अच्छा कैच, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे रेहान था, फरहान था जिन्होंने कोई गलती नहीं की और अच्छा कैच किया। फरहान भी एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन अब तक गेंदबाजी के ऊपर लाया नहीं गया।
देखिए तंजीम कादरी ने बहुत बेहतरीन तरीके से 34 रन बनाए अपनी टीम के लिए और 15 गेंद का सामना किया, 3 सिक्सर 2 चौके और 250 के स्ट्राइक रेट के साथ प्रारंभ करने के लिए गए थे। देखिए थोड़ा बॉडी वेट कम करना पड़ेगा और भी अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। देखिए अब यहां से नए बल्लेबाज के रूप में तलहा शेख पहुंच चुका है, कल का हीरो, बहुत बेहतरीन तरीके स्ट्राइक के ऊपर है। पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आएगा तो नासिर मामा की ओर से 500 है तलहा के लिए और देखिए लालच वहां पे बुरी बला है, लालच बुरी बला है और इस बीच वहां पे विकेट मिला। तलहा पहली गेंद के ऊपर आउट होने के बाद पेवेलियन की ओर रुक कर चुके हैं, पहली गेंद के ऊपर बड़ी हिट लगाने के लिए गए और धर्मेश पटेल को वहां पे मिलती हुई सफलता, एक 79 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के बाद, 79। अभी देखा जाए तो छठा ओवर प्रगति के ऊपर, अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी है, सज्जाद भाई के पास एक मौका है अपना परफॉर्म करने का क्योंकि इसके बाद 2 ओवर आना बाकी है। भावेश भी है यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर, ड्राइव कर दिया इस बीच, कवर के ऊपर से गेंद ट्रैवल होती है वहां पे, जब तक सहजाद फील करते एक रन पूरा कर लिया था, सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी जरूर हुई और एक रन जरूर जोड़ा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। 80 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान के बाद, सज्जाद ने सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। सज्जाद भाई अगर हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो तन्नू की ओर से 1500 रुपया दिया जाएगा, सज्जाद भाई के लिए स्पेशल प्राइज है। अस्सी रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए इस बीच गेंद को मोड़ दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में, वहां पीछे खिलाड़ी गेंद को जब तक रोका गया एक रन पूरा किया और देखिए दूसरे के लिए पलटवार किया और बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन 2 रन पूरे किए और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 83 रन। देखिए सज्जाद शेख की अगर बात की जाए तो कद काफी बड़ा है, फिर भी 2 रन अच्छे पूरे किए, एक अच्छा रनिंग बिटवीन, एक अच्छा फिटनेस के साथ यहाँ क्रिकेट खेला जाता है। वैसे भावेश है स्ट्राइक के ऊपर, रन लेने का प्रयास किया लेकिन वहां पे खुद गेंदबाज ने अपने फॉलो थ्रू में फील किया, कोई रन नहीं, कोई सटी नहीं। अनिल पाड़वी है गेंदबाजी के ऊपर, अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 7वां ओवर के लिए शामिल किया है।
स्कोर कार्ड के ऊपर एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ 83 रन अभी भी रुका हुआ। 6 विकेट के नुकसान के बाद 7वां ओवर प्रगति के ऊपर बहना नोटो एंड की ओर से गेंदबाज अनिल पटेल फिर से एक बार घूम के खेलने का प्रयास किया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। इस बीच बॉडी के साथ गेंद टकराने के बाद पॉइंट की दिशा में गई, अंडर आर्म थ्रो किया जाए, वहां से रन एक पूरा किया था। यस लेग बाई का इशारा, एक अतिरिक्त रन के रूप में एक रन काउंट किया जाएगा और स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी होगी। 84 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद स्ट्राइक के ऊपर सज्जाद शेख और अच्छा शॉट। इस बीच देखिए मिड विकेट के ऊपर जैसे ही गेंद को आगे किया सज्जाद शेख ने गेंद को देखा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो मोमेंटम इस बीच फील्डिंग टीम के साथ जुड़ा था उसको अपने और कन्वर्ट करने का प्रयास किया। एक बेहतरीन तरीके से जो टीम की जरूरत है वही देखते हुए इस बीच गेंद को 6 रन के लिए भेजा सज्जाद शेख। ना पूरब देखा ना सूरज देखा, जो टीम की जरूरत है वही देखते हुए एक अच्छा सिक्सर जरूर देखने को मिला उसके बल्ले से। नब्बे रन बन चुके 7 ओवर के बाद 6 विकेट के नुकसान के बाद देखिए 13 का औसत चलता हुआ यहां पे और भी 6 गेंद का खेल बाकी है। 6 गेंद के ऊपर कितने रन आएंगे उसके ऊपर पूरा मुकाबला चलेगा। अब शहजाद कादरी को शामिल किया है गेंदबाजी के ऊपर, शहजाद अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 8वां ओवर, 8वां यानी कि अल्टीमेट ओवर जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, वो ओवर लेके उपस्थित हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। तो इस बीच स्ट्राइक के ऊपर भावे से अब 6 गेंद रन कहां तक पहुंचेगा और कहां तक रोका जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर भावे और गेंदबाजी के ऊपर इस बीच शहजाद देखिए अच्छा शॉट इस बीच लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खिलाड़ी को बीट किया और गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कैप्चरिंग हमें देखने को मिला इस बीच दीपेश धूले और आदित्य कड़ौ, एक अच्छा कैमरामैन के रूप में यहाँ दीपक खाड़े, एक हमारे YouTube के ऑनलाइन स्कोर के रूप में अपने उंगलियों के साथ अपने मोबाइल के साथ खेलते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए और रिप्ले का प्रसारण इस बीच बहुत बेहतरीन तरीके से प्रशांत पवार द्वारा tenniscricket.in के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइव प्रसारण। क्रिक हीरोज के स्कोरर कमलेश नायक ठीक हमारे राइट साइड बैठे हुए हैं। अब सहजा तैयार, शॉर्ट पिच गेंद थी इस बीच ऑन साइड के ऊपर टारगेट किया वहां पे जब तक फील्ड किया जाए, एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें जरूर देखने को मिला। फिर से एक बार इस बीच सहजा तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर भावेश है, विकेट कीपर थोड़े क्लोज है कुलदीप के रूप में, बल्लेबाज भावेश के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास। अच्छा शॉट देखिए इस बीच मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीधी आउट ऑफ पार्क चली गई है, हवा के साथ गटा के संग संग सिक्सर भावेश पटेल, एक बेहतरीन बल्लेबाजी और भावेश के बल्ले से निकलने वाला एक और सिक्सर इस बीच बेहतरीन तरीके से मिड विकेट के ऊपर आउट ऑफ पार्क 6 रन के लिए और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 102 रन, 10 डिजिट में स्कोर पहुंच चुका है, सैकड़ा लग चुका है यहां से बहनान टाइगर, 10 डिजिट वाला स्कोर 102 रन। और बहुत बेहतरीन तरीके से भावेश ने यहां पे अपनी बल्लेबाजी की है। अब ओवर नंबर 8वां प्रगति के ऊपर है, शहजाद तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, कवर के दिशा में खेला इस बीच नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर थ्रो किया, एक रन पूरा किया सिंगल के साथ, एक रन की बढ़ोतरी हुई वहां से 103 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। भावेश पटेल की बात की जाए 13 गेंदों के ऊपर 33 के निजी स्कोर के ऊपर 5 सिक्सर के साथ, देखिए अगर हिसाब किताब किया जाए तो 13 गेंदों में से 5 सिक्सर यानी कि 33 में से 30 रन तो सिक्सर के है, मतलब 3 सिंगल रन लिए गए उसके द्वारा। फिर से एक बार शहजाद तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से और स्ट्राइक के ऊपर इस बीच सज्जाद शेख, 3 गेंद 8 रन 1 सिक्सर 250 का स्ट्राइक रेट के साथ इस्लाम अजीम खाना क्रिकेट क्लब के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से यहां अपनी टीम के लिए पारी को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं।
स्ट्राइक के ऊपर सज्जाद और गेंदबाजी के ऊपर शहजाद कादरी। और तीर से बल्ले से सीधा इस बीच देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद ट्रैवल हुई और वहां पे डीप बाउंड लाइन की ओर चार रन के लिए। देखिए सज्जाद से द्वारा आगाज किया जा रहा है, कामयाबी मुझ में खूबियाबी मुझ में, ढूंढे वाले ढूंढ चाहिए क्या तुझे, उस प्रकार से तीर से बल्ले से सीधा शॉट और गेंद चली गई सीधे गेंदबाज के ऊपर से चार रन के लिए, एक बेहतरीन शॉट और 107 रन टीम का हो चुका है 6 विकेट के नुकसान के बाद। अब अल्टीमेट ओवर की आखिरी गेंद है और स्ट्राइक के ऊपर सज्जाद शेख है और सामने स्टैंड एंड डिलीवर। देखिए यहां इस बीच सज्जाद शेख को देखिए एंटरटेन करते हुए, अपना कर्तव्य दिखाते हुए, ना संघर्ष ना तकलीफ, फिर क्या मजा जीने में, जिंदगी यहां पे बेहतरीन तरीके से। एक अच्छा शॉट सज्जाद शेख का, एक बेहतरीन पिकअप शॉट और 113 रन। देखिए 5 गेंदों के ऊपर 18 रन जड़े सज्जाद शेख ने, 2 सिक्सर 1 चौका। और इस बीच सज्जाद शेख के लिए जैकी भाई की ओर से 500 रुपया मेरे पास आ चुका है, सज्जाद भाई के लिए 500 रुपया है मेरे पास, आप बाद में कलेक्ट कर लीजिएगा। 113 रन 114 का टारगेट दिया है और हर ओवर में 14.5 के हिसाब से रन बनाना पड़ेगा तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, भावेश ने 33 रन और सज्जाद ने 18 रन, 13 गेंदों के ऊपर 34 रन की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली इस बीच। जैकी भाई की ओर से 500 रुपया सज्जाद भाई के लिए स्पेशल प्राइस है, स्पेशल प्राइस इस बीच। सो 13 रन बने, 114 का टारगेट है। अगला मुकाबला विदित ट्रैवल्स और अली इंडियंस के बीच में होगा, तो प्लीज टॉस के लिए दोनों टीम को आना है। अली इंडियंस और विदित ट्रैवल्स अगला मुकाबला आपके बीच में है, तो टॉस के लिए प्लीज आएंगे दोनों टीम के कप्तान। होम कंस्ट्रक्शन, ड्रीमलैंड होटल, पवन भाई यादव, हिरेन भाई पटेल और सागर भाई सोलंकी, गुलजार भाई खान और अरुण
अरुण भाई चावड़ा, प्रियंक भाई पटेल, उस पर पकिया भाई का भी अच्छा सपोर्ट है, जैकी भाई, सफी भाई, नासिर भाई मामा और मुसेफ भाई बासेदा, धर्मेश भाई बिसारा और तखत सिंह पांजोरिया और नरेश भाई और फिरोज भाई सैयद, जिसकी ओर से 5 साल से पानी की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ऐसे हमारे सभी स्पॉन्सर्स जिसका हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे और टूर्नामेंट को साकार करने के लिए सहबाज भाई, रईस भाई कादरी, तखत सिंह पांजोरिया, आसिफ भाई शेख, सज्जाद भाई, मुसेफ भाई बासेदा, फहद भाई बहनान, सदाम भाई, रमेश भाई, जैकी भाई, कीर्ति भाई, प्रणव भाई, सब्बीर भाई बहनान और अक्रम भाई ने एक अच्छा आयोजन किया। ये थे हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक का जिसका हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। तो उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कार्निवल, एक अच्छा आयोजन हर साल धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग के लिए। आप पूछ लेना सुबह से, अगर यकीन नहीं है तो शाम के, लोगों का दिल धड़कता है धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग के लिए। बहुत बड़ी संख्या में जनमेदनी यहाँ उपस्थित होती हो है, तो सभी लोगों का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। अली इंडियंस के कप्तान को आना है यहाँ पे, विनी ट्रेवल्स के कप्तान पहुंच चुके हैं और ऑनर भी पहुंच चुके हैं, तो प्लीज अली इंडियंस के कप्तान यहां आएंगे। प्लीज अगले मुकाबले का टॉस होगा यहाँ पे, हमारे कैमरामैन आदित्य कड़ाव थोड़ा रुक करेंगे हमारी ओर। तो यस, अगला मुकाबला यहाँ से विनी ट्रैवल्स और अली इंडियंस के बीच में खेला जाएगा। मुसेफ भाई बासेदा और रमेश राजा वहां उपस्थित है, उसके हस्तक्षेप टॉस होने जा रहा है। मुसेफ भाई बासेदा के हस्तक्षेप टॉस होगा। देखिए कॉल इस बीच विनी ट्रैवल्स का और किंग का कॉल था और किंग आया, तो मतलब विनी ट्रैवल्स ने टॉस जीता है। अब विनी ट्रैवल्स कुछ ही क्षण में हमें अपना फैसला बताएगी। मनोज भाई शुरुआत हो चुकी है वहां पे पहली गेंद की। इस बीच वो कहते हैं ना, आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा। इस बीच रईस कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर तरुण है और नॉन स्ट्राइक के ऊपर कृणाल राणा और बहना नोटो एन की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। रईस कादरी फील्डिंग को सजा दिया गया है। देखिए थर्टिया सर्कल के अंदर 7 खिलाड़ी गेंदबाज और विकेटकीपर के सिवा, डीप बाउंड लाइन के ऊपर 2 खिलाड़ी, एक मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बीच तरुण है स्ट्राइक के ऊपर। वाइड यॉर्कर इस बीच ड्राइव का प्रयास गली की दिशा में, सलीम भाई वहां पे अच्छा फील्ड किया बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन एक रन जरूर पूरा किया। अकाउंट ओपन हुआ इस बीच
ओम साई 11. व्हाट अ वे टू अकाउंट ओपन ओम साई विथ सिंगल रन. सिंगल रन के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन हुआ. यहां से तरुण नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर. अब स्ट्राइक के ऊपर कृणाल राणा है और गेंदबाजी के ऊपर रईस कादरी. धर्मपुर एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं. बहुत एक अच्छे गेंदबाज के रूप में शामिल किया जाता है. अब जलाराम धाम अमदरा के ऊपर 14 जनवरी को नवसारी बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट आंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें मुस्लिम समाज की ओर से शामिल किया था रईस कादरी को. बहुत अच्छी गेंद देखिए. छड़ वाली गेंद थोड़े से पीछे गए और बल्लेबाज को पीछे ढकेला. वहां पे थोड़ी सी मिसफील लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए. एक ही रन मिलेगा. दूसरे की वजह से कोई गुंजाइश नहीं है. एक बहुत बेहतरीन गेंद थी. इस बीच स्विंगिंग यॉर्कर हमें देखने को मिला. बल्लेबाज को बैकफुट के ऊपर धकेला था. इस प्रकार की गेंद थी और वहां से सिंगल रन पूरा किया. सिंगल के साथ दो रन स्कोर कार्ड के ऊपर ओम साई 11. जमीन के सहारे इस बीच बहुत अच्छा फील्डिंग देखिए. क्या फील्ड किया वहां पे तलहा था जिन्होंने एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस अपनी टीम के लिए कुछ रन जरूर बचाए. स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन. ऑन ड्राइव बहुत ही बेहतरीन इस बीच. लेकिन वहां पे फील्डिंग भी उतना ही बेहतरीन. तलहा ने अच्छा फील्ड किया. कोई रन नहीं, कोई सडी नहीं. डॉट गेंद 114 का टारगेट है. 113 रन बने मतलब पावर प्ले में कम से कम यहां 30 रन के आसपास बनाने पड़ेंगे. ये मेरा अंदाजा बता रहा हूं. यहां पे अब यहां से वैसे देखा जाए तो यहां से हर प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं. अच्छी गेंद सीधी विकेट कीपर सज्जाद के पास गेंद चली गई. इस बीच कोई रन नहीं, कोई सरी नहीं. डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत. इस बीच स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी 2 रन है. ओम साई 11 वर्सेस बहनान टाइगर्स के बीच में ये मुकाबला. रईस तैयार फिर से बहना नोटो एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर. स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज तरुण है. फील्डिंग का मुआयना किया जा रहा है. फील्डिंग को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है. उसके बाद गेंदबाजी करने का प्रयास करते हुए और देखिए इस बीच फुल टॉस गेंद और बहुत बेहतरीन तरीके से. इस बीच थोड़ी रफ्तार के साथ गेंद थी और रफ्तार का इस्तेमाल हुआ और इस बीच गेंद को मोड़ दिया और गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन के लिए. एक अच्छा शॉट जरूर देखने को मिला. इस बीच 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बने. पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ. 8 रन, एक बहुत अच्छी गेंदबाजी. इस बीच देखा जाए तो रईस कादरी द्वारा 8 रन जरूर दिए गए लेकिन काफी सारी डॉट गेंद की. उसके बाद आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर चला गया. देखिए पहली गेंद डॉट हुई थी, उसके बाद 2 सिंगल रन आए थे, उसके बाद 2 गेंद डॉट और उसके बाद एक सिक्सर. उस प्रकार का ये जो ग्राफ था. इस बीच हमारे क्रिक हीरोज के स्कोरर कमलेश नायक ने अपने हाथों से बनाया और एक बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर रंग पूरने का काम बल्लेबाज ने किया और गेंदबाज ने किया. वो कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी में लकीरें तो जन्म के साथ मिल जाती है लेकिन उसके अंदर रंग इंसान को भरना पड़ता है. अब कौन सा इंसान कौन सा रंग भरेगा उसके हिसाब से उसकी जिंदगी की जो दास्ता है, जो कहानी है, लिखी जाती है. और इस बीच गेंदबाज तैयार है दूर वाले छोर से. भावेश पटेल अपने कोटे का दूसरा पहला पारी की ओर से. दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर. देखिए एक पैरों के ऊपर पूरा चक्कर लगा लिया. एक ग्राउंड की चारों दिशा है उसको घूम के देख लिया इस बीच कृणाल लाली ने लेकिन संपर्क हुआ नहीं. सज्जाद ने अच्छा गेदर किया. एक अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत. भावेश ने डॉट गेंद के साथ अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से इस बीच दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले.
जमीन के सहारे इस बीच वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला गया, वहां पे जब तक फील्ड हुआ सीधा थ्रो हुआ गेंदबाज की ओर, विकेट कीपर की ओर, तब तक एक रन सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई और 9 रन बने। ये दूसरे ओवर की शुरुआत है और वहां पे 9 रन बने हैं ओम साई 11 स्ट्राइक के ऊपर। इस बीच बल्लेबाज गेंदबाज भावेश तैयार है फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, दूर वाले छोर से स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज तरुण, और बहुत बेहतरीन तरीके से इस बीच वहां पे देखिए चेक किया जा रहा है। बल्लेबाज का रिव्यू है या सर आपका है? यस एम्पायर का रिव्यू है, यस एम्पायर का रिव्यू है, एम्पायर सर का रिव्यू लिया गया है। इस बीच यहाँ पे बीमर गेंद चेक की जाएगी तो हमारे थर्ड एम्पायर के रूप में हमारे साथ कॉम बॉक्स में शाहिद मोमिन सर चेक करेंगे कि ये बीमर गेंद थी या लीगल डिलीवरी थी। टेनिस क्रिकेट डॉट इन के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिसके अगर कैमरामैन की बात की जाए तो दीपेश धुले, आदित्य कड़व और ऑपरेटर प्रशांत पवार है। नो गेंद है, यस कमर के ऊपर वाली गेंद थी। इस बीच हमारे थर्ड एम्पायर द्वारा देखा गया, परखा गया, जांचा गया, उसके बाद जो डिसीजन बताया वो मैंने आप लोगों को बताया। तो इस बीच नो गेंद, कमर के ऊपर वाली बीमर गेंद थी, मतलब देखिए वहां पे कैच हुआ था और बल्लेबाज को एक जीवतदान मिला ऐसा कहूँ तो चलेगा, उस प्रकार का माहौल हमें देखने को मिला बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे। और हमारे स्क्वायर के एम्पायर द्वारा रिव्यू की मांग की गई थी। तो इस बीच फिर से गेंदबाज भावेश तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज तरुण, तरुण इसका कितना फायदा उठाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। कैच बहुत ही बेहतरीन किया था डीप बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे, लेकिन वो फ्री हिट वाली गेंद थी। फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर वो कहते हैं ना गेंदबाज की विकेट काउंट नहीं की जाती, ओनली रन आउट काउंट किया जाता है। तो तल्हा थे वहां डीप मिड विकेट के ऊपर जिन्होंने अच्छा कैच किया था। अच्छा शॉट, इस बीच देखिए वहां पे सीधा खिलाड़ी जंप किया, गेंद को रोकने का प्रयास किया, बहुत बेहतरीन इस बीच गेंद को रोका, अपनी टीम के लिए कम से कम 5 रन बचाए, एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट, 5 रन बचाए, एक अच्छा फील्डिंग जरूर देखने को मिला। इस बीच वहां पे स्कोर कार्ड के ऊपर अभी भी देखा जाए तो 12 रन है, एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट। भावेश तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहुत अच्छी गेंद देखिए इस बीच सीधी विकेट कीपर के पास से चकमा देती हुई, कोई रन नहीं, कोई सटी नहीं, डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत। अब इस बीच गेंद हवा में है वहां पे भावेश गेंद के नीचे, और देखिए वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला। यहाँ पे कैमरामैन दीपेश ने और आदित्य ने बहुत अच्छा काम किया, देखने लायक नजारा इस बीच रिप्ले में। गेंद हवा में रही थी काफी देर तक, ऊपर चली गई थी बहुत बेहतरीन तरीके से, वहां गेंद के नीचे भावेश पटेल जरूर आए थे और इस बीच भावेश को दूसरे खिलाड़ी का सपोर्ट मिला, सहकार मिला और अच्छा कैच हुआ और इस बीच आउट होने वाले खिलाड़ी बने, वहां से विकेट मिला और बेहतरीन तरीके से पहली सफलता। पावर प्ले के 2 ओवर भी खत्म हुए, स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन भी बने एक विकेट के नुकसान के बाद ओम साई 11। बहुत अहम तरीके से पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए, देखिए करण रन रेट 6 का चलता हुआ,
यहां से अगर रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 17 रन चाहिए, हर ओवर में 17 रन चाहिए। अभी भी मैच में जो मोमेंटम है लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अब कप्तान वहां पहुंच चुके बल्लेबाजी के ऊपर। अब हारून गेंदबाजी के ऊपर, देखिए इस बीच अच्छी गेंदबाजी हरुण की, सीधी विकेट कीपर सज्जाद भाई के हाथ में गेंद चली गई, इस पीछे कोई रन नहीं, कोई सटी नहीं, डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत। देखिए हरुण को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया है, हरुण कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बाहना नोटो एंड की ओर से एक अच्छी कसी हुई गेंदबाजी अब तक हमें देखने को मिल रही है। इस बीच गेंदबाज फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर लाली है, आगे आए थे इस बीच, लेकिन वहां पे थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड करा दिया जाएगा, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर, 13 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। और स्ट्राइक के ऊपर इस बीच कृणाल राणा और नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर सज्जाद शेख है, और विकेट कीपर के ऊपर सज्जाद शेख, एक अच्छी पारी जरूर देखने को मिली। सज्जाद शेख ने बहुत बेहतरीन तरीके से दो सिक्सर एक चौका झड़ा, अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर के ऊपर ले जाने के लिए एक बेहतरीन पारी देखने को मिली, और उसके साथ भावेश की भी बहुत ही बेहतरीन लाजवाब पारी, लाजवाब इनिंग। इस बीच संपर्क हुआ है और गेंद वहां पे जंप करने के बाद रोकने का प्रयास किया और रोका भी गया, एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस जरूर हमें देखने को मिला। इस बीच वहां पे अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए, राजू थे वहां पे जिन्होंने अच्छा फील्डिंग एफर्ट जरूर दिखाया और एक अपनी टीम के लिए कम से कम रन बचाए। रिवर्सी पे खेलने का प्रयास किया था, इस बीच वहां पे स्टंप आउट के लिए अपील कर रहे हैं वहां पे सज्जाद शेख थे वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से। अच्छी गेंद थी इस बीच वहां पे वाइड करा दिया जाएगा, तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। सनरिज के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहां से 15 रन एक विकेट के नुकसान के बाद, ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। विकेट कीपर के ऊपर सज्जाद शेख, अच्छा कीपिंग हमें देखने को मिल रहा है। हरुण कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहना नोटो एंड की ओर से अच्छा शॉट, इस बीच ड्राइव कर दिया, देखिए पीछे खिलाड़ी, लेकिन वहां झुकने के बाद फील्ड करने का फैसला किया, सीधा थ्रो, एक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट अपनी टीम के लिए। देखिए फील्डिंग के लिए ताली बजी इस बीच डग आउट के ऊपर, बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट हमें देखने को मिले। हाँ तलहा थे, तलहा ने आज बहुत अच्छा फील्ड किया, तलहा का फील्डिंग अच्छा है, एक कैच भी किया था लेकिन प्री हिट वाली गेंद के ऊपर। हरुण अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, जमीन के सहारे खेला इस बीच वहां पे राजू है, जब तक फील करते एक रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं। सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी हुई स्कोर कार्ड के ऊपर, तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर 17 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद। ओम साई 11 वर्सेस बहनान टाइगर के बीच में ये मुकाबला। गेंद सीधी विकेट कीपर के पास, इस बीच फिर से एक वाइड बॉल जरूर देखने को मिला, एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। इस गेंद के ऊपर अगर विकेट निकालता है हरुण तो नासिर मामा की ओर से 1000 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन एक गेंद के ऊपर सफलता मिलनी चाहिए।
1000 रुपया। हल्के हाथों से खेला इस बीच, अपने खुद फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सेप्टेड नहीं, लेकिन रन बनाने की चेष्टा उसको खारिज किया गया। 3 ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन बना 1 विकेट के नुकसान के बाद। हमारे क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अब इस्लामा जिमखाना क्रिकेट क्लब के ऊपर धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का बहुत अच्छा आयोजन हुआ। उसी प्रकार से कुकेरी पीएससी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 18 फरवरी को एक अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। एक बहुत बड़ा कार्निवल हर साल होता है, तो इस साल भी बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया गया है। वहाँ राजपूत समाज द्वारा एक अच्छी टूर्नामेंट का आयोजन होता है कुकेरी पीएससी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 18 फरवरी को। डे नाइट अंतर समाज टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट, ऑल इंडिया के स्टार उसमें दिखने वाले हैं, तो आइएगा जरूर। 18 फरवरी तारीख नोट डाउन कीजिएगा, कुकेरी पीएससी क्रिकेट ग्राउंड। तीन ओवर की समाप्ति हुई, 18 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओम साई 11। अब भावेश पटेल गेंदबाजी के ऊपर, बहुत अच्छा, देखिए इस बीच हुक कर दिया और दूरी भी मिली और लंबाई भी मिली और स्कोर कार्ड के ऊपर 6 रन जरूर बढ़े इस बीच बहुत बेहतरीन तरीके से। यस, यहाँ पे अगर विकेट इस गेंद के ऊपर मिलती है तो नासिर भाई मामा उर्फे कादरी की ओर से 500 रुपया है। वहां पे रन पूरा कर लिया था, यहाँ पे हारून ने थ्रो जरूर किया था और गेंद को वहां पे रोका गया जब तक थ्रो करते एक और रन पूरा किया, मतलब बाई के रूप में 2 रन काउंट किए जाएंगे। अब 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ से बढ़ोतरी होगी, 27 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और भावेश पटेल अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से 4th ओवर के लिए श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर शहजाद शेख, जमीन के सहारे खेला इस बीच। वहां पे पीछे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। ऑफ टर्म के ऊपर कवर की दिशा में खेलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे रन बनेगा नहीं, ये डॉट गेंद के साथ अच्छी शुरुआत। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर 4 प्रगति के ऊपर है, कैनवा में इस बीच वहां पे सज्जाद उल्टा भागने के बाद लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। बहुत बेहतरीन तरीके से इस बीच वहां पे मौका जरूर बना था, लेकिन वो मौके का फायदा नहीं उठा पाए और
एक अच्छा कैच वहां पर ड्रॉप हो चुका है। चार ओवर के बाद 28 रन एक विकेट के नुकसान के बाद आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 86 रन चाहिए। 24 गेंदों के ऊपर 86 रन मैच जीतने के लिए रिक्वायर्ड रन रेट की बात की जाए तो 21.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है, मतलब हर ओवर में 22 रन बनाना पड़ेगा अगर मैच जीतना है तो। छह सीरन अभी भी चाहिए आने वाले चार ओवर में, पहले चार में 28 बने। इस गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बीच अरुण कादरी अपने गोटे का दूसरा पारी की ओर से पांचवा ओवर के लिए शामिल किया है। बहना नोटो एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर इस बीच कृणाल है। अच्छी गेंद थी इस बीच वहां पे विकेट कीपर के ऊपर गिदन ने कर पाए अंडर आर्म थ्रो किया जब तक वहां पे गेंद को रोका जाएगा। एक रन पूरा कर चुके थे सिंगल के साथ, एक रन की बढ़ोतरी हुई बाय के रूप में रन काउंट किया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जोड़ा जाएगा। 28 रन एक विकेट के नुकसान के बाद अच्छा शॉट देखिए इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर पीछे रईस कादरी है लेकिन गेंद चली गई थी बाउंड लाइन के बाहर। थोड़ी दूरी जरूर तय करनी पड़ी थी रईस कादरी को। इस बीच हाथ में गेंद टप्पा खाई उसके बाद डीप बाउंड लाइन की ओर प्रस्थान हुई थी। अब शहजाद कादरी थे स्ट्राइक के ऊपर जिन्होंने अच्छा शॉट जरूर खेला। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को थोड़ा दूर रखा था बॉडी से और बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा सिक्सर। 35 रन 6 रन है। फिर से अरुण तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर शहजाद। फिर से एक बार गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर जाएगी यहां पे सीधे डगआउट के ऊपर। यहां पे कमेंट्री बॉक्स की ओर गेंद जरूर आई थी, कमलेश ने प्रयास किया था लेकिन गेंद सीधी 6 रन के लिए।
विकेट कीपर के बहुत थोड़ी सी स्पिल जरूर हमें देखने को मिली, इस बीच वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा, एक अतिरिक्त के साथ एक रन की बढ़ोतरी होगी और स्कोर कार्ड के ऊपर 42 रन एक विकेट के नुकसान के बाद 72 रन अभी भी चाहिए, 21 गेंदों के ऊपर 72 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। और हरुण कादरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बाना नोटो एंड की ओर से, और एक सिक्सर देखिए बहुत ऊपर गई और दूरी भी मिली और 6 रन की मंजूरी भी मिली, इस बीच बेहतरीन तरीके से एक अच्छा सिक्सर जरूर देखने को मिला इस बीच। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी देखिए 14 गेंदों के ऊपर यहाँ पे, घुटना जरूर टेका था इस बीच शहजाद ने लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद चली गई, इस बीच कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत, स्कोर कार्ड के ऊपर 35 रन है एक विकेट के नुकसान के बाद, ये पांचवा ओवर प्रगति के ऊपर है। फिर से एक बार यहां से वाइड करा दिया, नो गेंद है, ठीक है नो गेंद का कॉल है, इस बीच पाटा के बाहर गेंद फेंकी गई थी। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है, बल्लेबाज के पास मौका है इस बीच एक बड़ी हिट लगाने का, फ्री हिट वाली गेंद आने वाली है, सामने खेला इस बीच लॉन्ग ओवर के ऊपर, फ्री हिट वाली गेंद थी, वहां पे एक रन पूरा करेंगे और वहां पे रईस ने अच्छा कैच भी किया लेकिन यहां पे विकेट काउंट नहीं की जाती गेंदबाज की क्योंकि फ्री हिट वाली गेंद के ऊपर शॉट खेला गया था। स्कोर कार्ड के ऊपर एक सिंगल के साथ 50 रन पूरे हुए एक विकेट के नुकसान के बाद, 5 ओवर की समाप्ति भी हुई, आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 64 रन चाहिए, 18 गेंद 64 रन। पचास रन बने हैं, अब कोई भी गेंदबाज यहां से अगर हैट्रिक विकेट लेगा तो नासिर भाई कादरी उर्फे मामा की ओर से 1000 रुपया दिया जाएगा, 1000 का प्राइस है लेकिन 3 विकेट लेने पड़ेंगे तब जाके ये प्राइस यहां पे मिलेगा। सज्जन भाई अगर विकेट कीपर के ऊपर कैच करेंगे तो 500, 50 रन हुए अभी भी 18 गेंदों के ऊपर 64 चाहिए, 18 बॉल में 64 रन जो ही है। आसिफ भाई और सज्जन भाई अगर कैच करेंगे तो नासिर भाई कादरी मामा की ओर से 500 रुपया है, मगर कैच करना पड़ेगा, एक कैच के ऊपर 500 रुपया और हैट्रिक विकेट के ऊपर सभी गेंदबाज के लिए 1000 रुपया है, हैट्रिक विकेट लेना पड़ेगा। अब सलीम भाई गेंदबाजी के ऊपर,
नौ बॉल में 27 जो है, नौ बॉल में 27 रन जो है मैच जीतवा माटे, 87 थया छे, नौ बॉल में 87। आठ बॉल 27 रन, आठ बॉल में 27। रिव्यू लिया गया है बीमर गेंद के लिए, तो प्लीज थर्ड एम्पायर। नो बॉल नहीं है, छ बॉल में 22 रन जो है, छ बॉल 22 रन। छ बॉल में 22 रन जो है मैच जीतवा माटे, छ बॉल 22 रन।
डॉट बॉल ना 500 रुपया आ बॉल माटे नासिर भाई कादरी मामा तरफ थी। अरे यस, मतलब सलीम भाई को दो गेंद डॉट किया उसके ऊपर 1000 रुपया नासिर भाई कादरी मामा की ओर से दिया जाएगा। तो सलीम भाई आप लेके जाइएगा